टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में भी जिंदगी की सरगर्मियां रवा दवा रहती हैं। इन्हीं सरगर्मियों के जुलू में जम्मू कश्मीर की सरकार ने वीटलैंड डे मनाया, जिसका मकसद पूरी रियासत में पानी के सरचश्मों की अहमियत को सराहना है। जहाँ तक वेटलैंड्स की बात है, वेटलैंड्स में वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। नेशनल एनजीटी में हमने डिटेल में हलफनामा दायर किया है। हमारा जो कमिटमेंट है वो दायर किया है और वो कमिटमेंट क्वार्टरली मॉनिटर होगा। क्वार्टरली, सिर्फ एक दो साल के बाद नहीं, क्वार्टरली मॉनिटर होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारे जो वेटलैंड्स है, इनसे हम काफ़ी कर सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं, इनको किडनीज ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। और जो ये वेटलैंड्स हैं, जैसे ये हमारा होकरसर वेटलैंड है, इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे बुला के हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। हमने आज यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये जो वेटलैंड डे मनाते हैं तो बहुत हो इधर, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं क्योंकि हम तो लोकल है, हमें इसकी दर्द है, तो कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा कि जब ये ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहा है हमारा अपना होकर सर, तो उसके लिए हम बहुत खुश है। उधमपुर में गरीब मच्छरों की बहबूद की खातिर मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू किया गया है। इलाके में 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मच्छरे हैं और 236 मकानात की तामीर हो चुकी है। ये मकानात गरीब मच्छरों को दिए जा रहे हैं ताकि इस सनत को फरोग हासिल हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत हमारे जहाँ जो फार्मर हैं उनके लिए करना चाहते हैं, कार्प यूनिट, ट्राउट यूनिट और जो हमारे फिशरमैन हैं उनके लिए ये हाउसिंग, जो बीपीएल फिशरमैन होते हैं उनके लिए हाउसिंग स्कीम होती है। इसके तहत जो मेन क्राइटेरिया है उसमें ये मिनिमम तीन साल का वो रजिस्टर होने चाहिए। इस वक्त हमारे उधमपुर में हमारे पास 1096 जो रजिस्टर्ड फिशरमैन हैं, उसमें से जो बीपीएल हैं वो तकरीबन कोई 300-400 के करीब होंगे। आज तक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 236 जो हाउसेज हम उनको प्रोवाइड कर चुके हैं वो वेलफेयर ऑफ फिशरमैन स्कीम के तहत, और इस साल हमारे 68 जो मकान जो हैं अप्रूव हुए हैं, जो इस साल बन जाएंगे।
तो ये टोटल हमारे आज जो पहले बने थे 2020 तक 181, और दो सालों में जो हमने पिछले साल हमने 56 बनाए थे, इस बार हम 68 बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। दाचीगाम नेशनल पार्क में हिमालया ब्लैक बियर्स की नस्ल को स्पेशल खुराक फराहम करने का बंदोबस्त किया जाता है ताकि इस नायाब जानवर की नस्ल को महफूज रखा जा सके। इस सिलसिला में एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जब हम सुबह आते हैं, जब विंटर्स के टाइम पे, तो ये ऑलमोस्ट डेंस में होते हैं, तो डेंस में जब हम सुबह सफाई का टाइम होता है तो हमको ये मतलब केयरफुल रहना पड़ता है। जब हमको सफाई करनी होती है तो केयरफुल रहना पड़ता है। तो दो बंदे हम यहाँ पे हैं, तो ऑलमोस्ट हम एक बंदा तो डेन के साथ होता है, दूसरा बंदा वो अंदर जाता है, फिर उनको बाहर पहले बाहर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद इनको खाना होता है सुबह मॉर्निंग का, तो उसमें हम रोटी और हनी देते हैं इनको। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट वापस डेन में जाते हैं, तो फिर स्लीपिंग टाइम होता है इनका। विंटर्स में इनको ज़्यादा हम हनी देते हैं सुबह मॉर्निंग, हनी और रोटी मिलता है, तो इसमें ज़्यादा हम इनको विंटर्स में ये देते हैं हनी गुड, इनको ज़्यादा दलिया देते हैं, उसमें मिल्क होता है, उसमें डेट्स होते हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो इनको देना पड़ता है आज विंटर्स में। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका मतलब टिपिकल हाइबरनेशन में ये वाले बेयर जो हैं टिपिकल हाइबरनेशन में नहीं चले जाते। इनका एक्टिविटीज़ तो चालू रहता है, उसको यू नो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फीडिंग का हमें बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, और जैसे कि आप इनके हेल्थ से भी वो शो हो रहा है कि किस तरह का फीडिंग इनको दिया जाता है। सो इनको हेल्थी रखने के लिए इनका फीडिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी है। सारा ग्रुप जो है हम वी वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ SOS, और वाइल्ड लाइफ SOS जो है जैन के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। जिला पुलवामा के एक रिहायशी आदिल भाट ने अपने इलाके के तलबा में IT इंडस्ट्रीज में कोडिंग की महारत को बढ़ाने की खातिर खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसकी मदद से IT की तालीम से वाबस्ता अफराद के लिए मौके को बेहतर बनाना मुमकिन हो सकेगा।
I belong to a town from, very nearby to Srinagar, Pampur. So basically, I started my early education from Pampur. I had my schooling from Pampur, and then I was a student in a prestigious college in Srinagar, SP College. I got my bachelor's in information technology from there. And then I got admitted in Central University of Kashmir, where I completed my master's in computer science or information technology. Talked to my family that I'll be opening Decode Future, and they were very very confident ki ji aapko jo theek lage aap kariye, unka support tha. Though they wanted me to go for the PhD, which I didn't felt I should go right now, to maine yahi venture start kiya Decode Future ka, jahan pe hum सबसे थ्रस्ट ज़्यादा देते हैं कोडिंग्स पे. फिर हमने बेसिकली जब हमने डिकोड फ्यूचर स्टार्ट किया था, हम सिर्फ कोडिंग सिखाते थे बच्चों को, लेकिन जब हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, यंग स्टूडेंट्स, दे वेर अनअवेयर ऑफ अदर थिंग्स, जो बेसिक चीज़ें होती है कंप्यूटर रिलेटेड, देन वी हैड टू इंट्रोड्यूस अदर कोर्स एज वेल. तो अभी को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाते हैं, और यही सर्विसेज हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. According to the revised national education policy, it is now mandatory to have coding from right away from class 6. जैसे हम बाकी subjects पढ़ते हैं उर्दू वगैरह, तो ये mandatory हो गया है. Some states have implemented this, already implemented this, but J&K is yet to implement this. So in accordance to that, ये जो Decode Future है जो Adil sir ने setup किया है, it is to promote that very step initiated by Government of India. It is to promote the coding culture so as to, you know, get aware of what coding is right away from class 6. ये बहुत अच्छा initiative है. इंडियन आर्मी ने अनंतनाग के इलाके में मार्टिन सन टेंपल में म्यूजिक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मौसीकार और गुलुकार हिस्सा ले रहे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को मौके फराहम करना है. इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट देखिए. जो इनिशिएटिव हमने लिया है एक यूथ के लिए, यूथ टैलेंट जो है यहाँ पे हमारे साउथ कश्मीर में, ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था कि जो यंग टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स है वो यहाँ पे साउथ कश्मीर में, ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था. और इसमें जो कोलैबोरेशन विद आर्मी है वो हमारा सपोर्ट कर रही है, विद अ टीम, एज ए टीम हम काम कर रहे हैं इस पर पूरी मैनेजमेंट के साथ. तो जो सिंगर्स आ रहे हैं इस प्लेटफार्म पर, हम उनको एक प्लेटफार्म देंगे कि आगे उनका जो मुस्तकबिल है वो अच्छा रहे.
उसके बारे में क्या कहूँ मैं, ये जो है बहुत ही बढ़िया स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है कश्मीरी फोक सिंगर्स के लिए, ऑल टैलेंटेड सिंगर्स के लिए, जो भी है कश्मीरी के सिंगर्स, वेस्टर्न सिंगर्स हो चाहे फोक सिंगर्स हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। तो अभी के टाइम में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि कश्मीर के हालात ही कुछ ऐसे थे। तो अभी के टाइम में जो ये कदम उठाया गया है, ये इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ है। तो इसमें क्या है कि हर किसी टैलेंटेड सिंगर्स को मौका मिल रहा है अपने अपना टैलेंट दिखाने का, इससे कि जो कश्मीर के वादी के सिंगर्स है उनको उभरने का मौका मिल रहा है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।